अस्सलाम वालेकुम मैं हूं फ़ारूक बलोच बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल हाल ही में हमने पाई नेटवर्क के हवाले से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर राफ़े बलोच का एक इंटरव्यू किया था और उसमें हमें काफ़ी तनकीद आई लोगों ने बहुत सवाल उठाए क्योंकि एक्चुअली वो इंटरव्यू पाए नेटवर्क के हवाले से नहीं था हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में किया था और उसमें एक छोटा सा पार्ट था जिस पर राफ़े ने पाए नेटवर्क के हवाले से बात की थी तो हमने वो आपसे शेयर कर लिया बट क्योंकि लोगों के मजीद सवाल आए तो हम हमने सोचा कि इसके ऊपर पार्ट टू बनाए और राफ़े से हम उन सवालों को लेकर जो सवाल उठाए गए एक तफसीली इंटरव्यू पाए नेटवर्क के ऊपर दोबारा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था तो आज राफे को हमने दोबारा बुलाया है और हम राफे से वो सवाल पूछेंगे ज़्यादातर लोगों ने जो सवाल उठाया वो वे कि भाई फ्री में माइन हो रहा है फ्री के मिल रहे हैं तो क्या परेशानी है अगर कल को इसकी कोई वैल्यू आ गई तो लोगों का प्रॉफिट बन जाएगा कोई एफर्ट तो करनी नहीं पड़ रही और अगर नहीं भी आई वैल्यू तो लॉस तो नहीं हो रहा ना लोगों का और दूसरी चीज़ के इसकी वजह से फाउंडर जो हैं या क्रिएटर जो है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है वो कैसे इससे फ़ायदा उठाएंगे देखिए जो वैल्यू है इसकी वो यूज़र्स के लिए हो ना हो ये एक अलग सवाल है लेकिन ये बात तय है कि इसकी वैल्यू पाए के कोर डेवलपर्स के लिए जो लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं उनके लिए तो है क्योंकि दे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स जो डेली बेसिस के ऊपर 24 फोर आवर्स में एक दफ़ा या कई मरतबा जो है अपने पाए कॉइन की वैल्यू देखने के लिए एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं लास्ट वीडियो में आपने मुझसे सवाल पूछा था कि एड्स तो लोगों को दिखती नहीं है तो मैंने ये कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली वेट करते हैं कि एक आ, सेट ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो और उसके बाद जो है वो एडवर्टीज़मेंट जो है ना वो दिखा रहे होते हैं और वही हुआ कि कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया कि जी बाय सर्वर की मैनेजमेंट के लिए उसकी कॉस्ट को आ, मैनेज करने के लिए हमें ऐड्स चलाने पड़ते हैं लेकिन यह है कि आप इस एड से ऑप्ट आउट कर सकते हैं अब पहला सवाल ये कि कितने परसेंट लोग हैं जो इन एड्स से जो है ना ऑप्ट आउट, आउट करते हैं द इंटायर रीज़न कि ये लोग चाहते हैं कि 24 फ़ोर आवर्स में एक दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स आप पाई की ऐप ओपन करें ताकि ये एडवर्टाइज़र्स को बता सकें कि हमारे पास टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी या हंड्रेड मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं और ताकि वो जो है ना आपकी एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो देख सकें तो एक तो आ, इसका ये एस्पेक्ट है दूसरा ये कि देर आर मल्टीपल वेज़ के वो आ, इसको मोनोटाइज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एप्पल के ऐप स्टोर्स पर जाएँ तो उसमें प्राइवेसी लेबल्स आपको मिलेंगी जिसमें बताया हुआ है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉन्टेक्ट इन्फॉमेशन फ़ोन नंबर और मुख्तु इंफॉमेसन कलेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन में जाएँ तो देर एन ऑप्शन कि आप उसको फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं और फिर आपको मेन नेट में जाने से पहले पहले आपने के आपने करना है नो योर कस्टमर जो ये क्लेम करते हैं कि एक थर्ड पार्टी से जो है ना कर रहे हैं और जिसमें कोई एक लाख फ्री स्लॉट्स है तो अगर सिर्फ उसको ये मोनेटाइज करना चाहें लेट्स से हंड्रेड मिलियन यूज़र्स हैं उसमें से एक लाख यूज़र्स को आप निकाल दें जिनको फ्री स्लॉट्स मिले और बाकी यूज़र्स जो हैं पॉइंट वन डॉलर्स भी देते हैं तो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी और दूसरा ये है कि ये ऐसा कौन सा एक्सपेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं कि इनको लाखों डॉलर्स की ज़रूरत है अपने ऑपरेशन रन करने के लिए उसके अलावा अगर आप एडवर्टीजमेंट्स में देखें तो यू कैन टर्न ऑफ द एड्स इफ़ यू वांट राइट बट उसमें स्पेसिफ़िकली लिखा हुआ है कि दो हफ्तों के बाद वो एड्स ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे तो या तो ये ऑप्शन दे देते अगर कि परमानेंटली आप एड्स को बंद कर सकते हैं तो फिर भी बात समझ में आती लेकिन ये जो इन्होंने ट्रिकरी के साथ हर दो हफ्ते बाद जाहिर सी बात है कि एक यूज़र ने एक दफ़ा डिसेबल किया और बार बार तो डिसेबल नहीं करेगा यूज़र दैट इज़ एन एजम्शन और फिर ये कि इस ऐप को लोग बार बार देख रहे होते हैं क्योंकि यू नो पीपल आर वेरी क्यूरियस कि अब उनके कितने कॉइन्स जो हैं वो माइन हो गए तो देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स जिसमें इस डाटा को मोनिटाइज किया जा सकता है तो यूज़र्स के लिए बेनिफिट हो ना हो ये एक अलहदा बात है लेकिन ये आई एम श्योर के जो पाए कॉइन के कोर डिवेलपर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं देखिए गूगल फेसबुक और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये हमेशा रेगुलेटर की नज़रों में होती हैं यू नो जी डी पी आर है वो उसको बड़ा क्लोज़ली uh, मॉनिटर करता है दुनिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती है तो इनके गेंस्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इनकेस इन एनी केस अगर ये इस तरह का कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो ओबियसली इनके ऊपर बड़े लोगों की जो है ना नज़रें हैं तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम कि ये डाटा को जो है ना थर्ड पार्टी को सेल करके करकेट से कि पैक्स ले सकेंगे पाई कॉन ऑन दी अदर हैंड उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो उस तरीके से नहीं देख रही अच्छा एक और सवाल जो हमने ज़्यादा देखा वो ये है कि भाई ये एक्चुअल माइनिंग नहीं है कुछ लोगों ने कहा कि ये एक्चुअल uh, माइनिंग जो है वो नोट्स के ऊपर होगी जाके वो कंप्यूटर्स के ऊपर होगी पीछे सोफिस्टिकेटेड मशीनस के ऊपर होगी ये मोबाइल माइनिंग तो सिर्फ लोगों को सिस्टम में लाने के लिए एक्टिव करने के लिए यूज़र बेस बिल्ड करने के लिए की जा रही है इसके ऊपर आपका क्या टेक है जो कॉइन्स नज़र आ रहे हैं वो एक प्रॉमिस है कि जिस वक्त मेन नेट पे जाएंगे यानी जिस वक्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा उस वक्त उनको उसके इक्वलेंट जो पाई कॉइन होंगे वो अबॉर्ड किए जाएंगे जहाँ तक माइनिंग की बात थी तो लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि किसी भी किस्म की माइनिंग नहीं हो रही है और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा अगर आप पाई की वेबसाइट पे चले जाएँ तो उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इट इज़ द फर्स्ट करेंसी जो मोबाइल पर माइनिंग कर रही है विच इज़ नॉट ट्रू क्योंकि अगर आप यूप्लेक्सा को देखें या आप इलेक्ट्रोनीम को देखें तो ये कॉन्सेप्ट पहले इलेक्ट्रोनियम यूप्लेक्सा जो है उससे स्टार्ट हुआ था मोबाइल माइनिंग का तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि Um, पाई की जिसने मार्केटिंग स्ट्रेटी लिखी है तो इट सीम्ड लाइक के उसको ये लगा कि लाइंग अबाउट द प्रोजेक्ट वुड बी द बेस्ट वे टू मार्केट एंड ये चाहते ये हैं कि यूज़र्स की मास अडोपन हो तो जहाँ तक माइनिंग की बात है तो क्लेम ये करते हैं कि स्टाइलर कंसेंसस अलगोरथम के ऊपर uh, जो है ना इसको uh, बनाया गया स्टैलर कोर की मोडिफिकेशन करेंगे वाइट पेपर में इट्स नॉट क्लियर के वो उसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन करेंगे स्टेलर uh, में ये होता है कि जो आपकी कॉइन्स होते हैं वो प्री माइंड होते हैं और वो जो जेनेसिस ब्लॉक होता है जो फर्स्ट ब्लॉक होता है uh, उसमें वो सारे के सारे कोइंस ऑलरेडी जो है ना माइंड होते हैं प्रॉब्लम ये है कि जो आप कॉइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर पीपल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो कॉइन की स्कैसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी यानी जिस वक्त इसको एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च किया जाएगा फॉर एग्जांपल ये मेन नेट में जाता है जिसके बारे में देर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन आप वाइट पेपर में चले जाएं, तो वाइट पेपर में टूवर्ड्स एंड लिखा हुआ है कि जब कम्यूनिटी ठीक समझेगी तब हम मेन नेट लॉन्च करेंगे कहीं ये बता रहे हैं कि हंड्रेड मिलियन यूज़र्स जब होंगे अब लेट्स से हंड्रेड मिलियन यूजर्स पर हम पहुँचते हैं और हर यूज़र ने एक हज़ार पाए कॉइन्स जो है ना माइन किए हुए हैं तो विच इज़ हंड्रेड बिलियन राइट तो हंड्रेड बिलियन टोकन्स आपके पास होंगे हंड्रेड बिलियन पाई कॉइंस आपके पास होंगे तो अगर एक पाई कॉइन की वैल्यू ओज्यूम करते हैं कि दस डॉलर होगी तो उसका मतलब यह है कि इट हैज बी एट पार विथ द मार्केट कैप ऑफ द बिट कॉइन विच इज़ नॉट रियलिस्टिक फिर आप वाइट पेपर में जाएँ तो देर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन के टोटल कॉइन्स की सप्लाई कितनी होगी कहीं ये है कहते हैं कि 100 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक हो सकती है कहीं ये है कहते हैं कि 100 मिलियन यूज़र्स जब कंप्लीट uh, हो जाएंगे तो उन्होंने जितने भी कॉइन्स माइन किए होंगे उस हिसाब से जो है न हम उनको रिवॉर्ड दे देंगे जबकि आप सिमिलर प्रोजेक्ट्स में जाएं और उनके वाइट पेपर्स देखें तो टोटल कॉइन की जो सप्लाई होती है वो ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड होती है uh, जिस वक्त ये लेट्स से लेट्स सपोज जब ये मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर इस कॉइन को लॉन्च कर दिया जाता है तो उस वक्त अ सेल फ्रेंजी विल अकर और उसमें ये होगा कि हर कोई जिसने इतने टाइम से वेट किया है एवरीबडी वुड स्टार्ट टू सेल दैट कॉइन और जब लोग कॉइन सेल करेंगे डंप करेंगे तो उसको परचेज करने वाला कौन होगा क्योंकि ये कॉइन इट डज नॉट एड एनी वैल्यू लोग ये सवाल करते हैं कि बिटकॉइन भी जो है ना फिर बिटकॉइन क्या वैल्यू एड करा था बिटकॉइन को भी जो लोगों ने अंडर किया इनिशियली और उसके बाद जो ना बिट आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया बिटकॉइन ने दो नोवल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं सतो शिना ने पहली प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू कन्फर्म अ ट्रांजेक्शन विदाउट अ थर्ड पार्टी आप बैंकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक सेंट्रलाइज पार्टी है जो कि ये मेक श्योर sure करती है कि मैंने अगर फारूक बलोच को पैसे भेजें तो फ़ारूक बलोच तक पैसे मिले तो दो, दोनों में से कोई भी पार्टी मुकर नहीं सकती फारूक बलोच ये नहीं कह सकते कि जी आ, मुझे पैसे नहीं मिले या मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैंने पैसे जो है ना यू नो भेजें और आपको नहीं मिले वाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इसको बैंक इंश्योर करते हैं डिसेंटलाइज नेटवर्क में इसको माइनर्स इंश्योर करते हैं जो सेकेंड प्रॉब्लम थी जो इसने सॉल्व की थी कि हाउ टू इंजेक्ट मनी इंटू सिस्टम विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन तो उसके लिए इन्होंने ई माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क को जो है ना इंट्रोड्यूस किया उस एल्गोरिथम को जो है ना उन्होंने यूटिलाइज़ किया कि माइनर्स जो होंगे वो अपने यू नो कंप्यूटेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से उसको एल्गोरिथम जो है वो एक सर्टन रिवॉर्ड देगा तो ये दो नोवल प्रॉब्लम्स थे जो बिटकॉइन ने जो है ना सॉल्व किए तो पर्टेनिंग ट्रांसपेरेंसी ये एक काइंड kind ऑफ of एक सेंट्रलाइज सिस्टम नजर आता है जैसे जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप नेटवर्क पर नोड बन के माइनिंग कर सकेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ पर है दैट इज़ दैट इज़ द क्वेश्चन और ऑबियसली ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि आगे आ, फेजेस में जो है ना इसको रिलीज़ किया जाएगा जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हाउ डू इंश्योर के जो इसके को डेवलपर्स हैं वो अपने लिए कॉइन्स की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं क्रिएट करेंगे और इनकेस जब कॉइंस जब मार्केट प्लेस में एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो वो उन कोइंस को डंप नहीं करेंगे क्योंकि जो कॉइन्स उन्होंने प्री माइन किए हैं उसके पोटेनिंग किसी भी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं है या ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम देखें तो कोई रिकॉर्ड हो के इन्होंने कितने परसेंट यू नो कॉइंस जो हैं वो आ, प्री माइन किए हैं कितना परसेंट कोइन् जो हैं वो एज अ डेवलपर रिवॉर्ड रखा हुआ है तो इस चीज़ की हमें इस चीज़ के फॉर्मूलाज तो हमें वाइट पेपर में नज़र आते हैं लेकिन सिमिलर टू द फैट के टोटल कॉइन सप्लाई कितनी होगी तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन जो है ना आपको नहीं मिलती अच्छा एक सवाल ये भी आया कि आपने पिछली वीडियो में इसको एम स्कीम कहा और ये इसकी तरफ़ वजाहत कर दें कि आपको क्यों लगता है ये एम स्कीम है सेकेंडली लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टैंडफर्ड के जो पी हैं उन्होंने क्रिएट की है तो वो क्यों एम स्कीम लॉन्च करेंगे देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एम है या पैरामिट स्कीम्स होती हैं उसमें और इस तरह की स्कीम्स में जनरली ऑबियसली फॉर्म्स चेंज होते हैं तो उसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व तो उसमें फ़ौरी तौर पर लोगों को पता चल जाता है अब इसमें सेंस मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व एट एड्स के ऊपर और यू नो के वाई सी इन मुख्तफ मोनीटा मोनीटाइजेशन मैथड्स पर काम चल रहा है तो इस तरीके से वो लोगों के नज़रों में नहीं आ रहा है अब आप देखें एम एल एम स्कीम्स में क्या होता है कि आप किसी को रिक्रूट करते हैं वो आगे किसी को रिक्रूट करता है और फिर इस तरीके से आपकी चेन बनती जाती है और उस चेन में जितने भी लोग होते हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम जो है उनको उसका बेनिफिट मिल रहा होता है इसमें भी सिमिलर मॉडल है आप किसी को एफिलेट बनाएं अपना आपको आप जितने ज़्यादा एफिलेट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके कॉइन्स जो हैं या पॉइंट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे और फिर वो लोग जो हैं जो आ, जो आपने जिन लोगों को रिक्रूट किया होगा वो आगे अपना सिमिलर नेटवर्क बनाएंगे Uh, उन्होंने जितने यानी लेवल वन पे जो लोग हैं उन्होंने जितने uh, एफिलेट्स अट्रैक्ट करने हैं उस हिसाब से उनको भी पॉइंट्स uh, मिलेंगे तो हम इसको लेवल वन कह सकते हैं इसको हम यू नो वी कैन वी कैन क्लासिफाई इट एज अ टाइप ऑफ एम एल एम बट जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम है कि आप लोगों को रिक्रूट करें और लोग आगे और लोगों को रिक्रूट करें दूसरा जो आपने सवाल किया uh, स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी um, का तो देखें बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो भी uh, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी से नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट होते हैं तो द फैक्ट के सम वन वुड एक्ट एथिकली या मॉरली इसका ताल्लुक उसकी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आपने राफे को सुना क्योंकि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है मैं नहीं समझता एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता था लेकिन सवाल बहुत सारे आ रहे थे राफ़े को हमने दोबारा बुला लिया कि भाई इस पर पार्ट टू करते हैं और लोगों के जो ये सवाल आए मेन इनके आप जवाब दोबारा दें उम्मीद है इन सवालों के जवाब आपने सुने इस दफ़ा हमने तफसली इनपुट लिया राफ़े से तो आपको यकीन रानुमाई मिलेगी इसके ऊपर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको ये फ्री के कोइन्न करने चाहिए या नहीं आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा रखिएगाफ़